तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कैरमेल ब्रेड पॉपकॉर्न की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेड की रेसिपी है तो ब्रेड तो चाहिए ही हमें। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड लिया हुआ है। आपके पास जो भी ब्रेड है आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ब्रेड को कट करना है। देखिए, इस तरह से अगर आप चाहो तो छुरी से कट कर सकते हो या फिर कैंची का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये किचन की कैंची है, इसका इस्तेमाल मैं कट करके इतनी पतले पतले शेप में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो, तो इतना इतना पतला होगा दोस्तों, तो आपका कैरमल पॉपकॉर्न बहुत ही बढ़िया सा बनेगा। और ये रेसिपी इतनी लाजवाब है कि हम बड़े ही नहीं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। आप चाहो तो दो एक साथ कट कर सकते हो, दो लेयर की। तो देखिए, मैंने आपको बताने के लिए इस तरह से सिंगल सिंगल कट किया है। तो ये फटाफट हो जाता है, इसमें कोई भी टाइम वगैरह नहीं लग रहा है। और आप यहाँ पे जितनी ब्रेड चाहो उतनी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको बताने के लिए ही सिर्फ दो ब्रेड को कट कर रही हूँ। तो फाइनली हमारा ब्रेड जो है कट गया है। तो अब हमें इसको साइड में रखना है और दूसरी तरफ मैंने चूल्हा भी गरम कर लिया है। तो चलिए गैस स्टोव की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन को रख दिया है गरम होने के लिए। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तब हमें सिर्फ इसमें ब्रेड डाल देना है और हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है। यानी हमें इसको चलाना है, इसको क्रिस्पी करने तक का इसको चलाते रहे। तो 2-3 मिनट बस्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से 3 मिनट पूरे हो गए हैं और हमारा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे, अब इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमें इसी पैन में ही कैरमल बनाना है। तो कैरमल बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच शुगर ऐड करें, शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसके लिए हमें इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करना है। इससे बहुत ही बढ़िया कैरमल बन जाएगा। ये देखिए, ये कैरमल बनना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे ताकि जो आसपास जो शुगर रह गया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, कैरमल बन जाए। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे बटर। आप चाहो तो 1 चम्मच बटर ऐड कर लो, वरना नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, टेस्ट इसका दुगना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच दूध भी ऐड कर लिया है, बटर भी ऐड कर लिया है और शहद भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने देखा ना, शुगर मैंने कम इस्तेमाल किया है ताकि हमारा जो कैरमल स्नैक है वो बहुत ही बढ़िया बने, इसका हेल्दी रहे और टेस्ट में भी लाजवाब रहे। बच्चों को तभी तो पसंद आता है ना कि हमने इसमें क्या ऐड किया है क्या नहीं, लेकिन हम उनको हेल्दी तरीके से भी खिला सकते हैं इस तरह। आप लोग को तो पता है शहद कितना हेल्दी है। तो देखिए, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे कुछ सेकंड के लिए और हमें चलाना है, वरना ये जल जाएगा, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम ब्रेड को मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये कैरमल जो ब्रेड है इसको आपको हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है, वरना ये आपको ज़ोर से चटका लग सकता है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, मिक्स हो गया है। देखिए कितना सी बढ़िया रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, कितना सुंदर दिख रहा है खाने में, इसका स्वाद इतना बढ़िया है। तो आप कभी भी बच्चों को बनाकर दे सकते हो, बहुत ही पसंद आएगा। साथ में दूध भी आप दे दीजिए, बहुत ही अच्छा नाश्ता हो जाएगा बच्चों लोग के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।